आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रह विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के पेपर में, आज आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है। किस विषय का पेपर है? ग्रह विज्ञान का पेपर है, और आज के पेपर के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। और इसके पहले मैंने 5 वीडियो उपलब्ध कराए हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। और यदि आप उन 5 वीडियो को देख कर जाते हैं परीक्षा देने और इस वीडियो को देख कर जाते हैं परीक्षा देने, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि यहां से बोर्ड परीक्षा में आपकी प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर इस प्रश्न का पहला विकल्प है बचत करना, दूसरा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण, तीसरा विकल्प है आय का ज्ञान, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना और आय का ज्ञान करना, यानी राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह लघुत्तरी प्रश्न है, बचत किसे कहते हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान, पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत, यानी खर्च करने के बाद जो शेष रह जाती है या जो शेष धनराशि रह जाती है वह क्या कहलाती है? पारिवारिक बचत कहलाती है। और आय से बचाया गया धन यदि विनियोजित नहीं किया जाता तो उसे बचत ना कहकर धन का संचय कहा जाता है। और यदि आय से बचाया गया धन यदि विनियोजित नहीं किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बचत ना कहकर क्या कहते हैं? धन का संचय कहा जाता है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बचत सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला है बैंक, दूसरा है डाकखाना, तीसरा है बीमा योजना, चौथा है भविष्य निधि योजना, और पांचवा है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, और छठा है यहां पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सातवां है सरकारी ऋण समितियां, और आठवां है राष्ट्रीय बचत पत्र योजना। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। पहला है विकल्प वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी वह किसका उदाहरण है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? वायु प्रदूषण। उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आज के पेपर में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, प्रश्नों को याद करिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थियों को अनंत शुभकामनाएं, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर देने के बाद कि आपका पेपर कैसा हुआ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है, शुद्ध व अशुद्ध जल में अंतर बताइए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर, क्योंकि यह प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर क्या है। पहला है शुद्ध जल पारदर्शक स्वाद गंध
वह रंग रहित होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? पारदर्शक, स्वाद गंध व रंग रहित होता है। और अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला व खारा होता है। शुद्ध जल पारदर्शक, स्वाद गंध व रंग रहित होता है। अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला व खारा होता है। दूसरा अंतर क्या है? शुद्ध जल साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा करता है, जबकि अशुद्ध जल साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं बना पाता। और तीसरा अंतर क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मिले होने के कारण जल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिले होने के कारण जल में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। जबकि अशुद्ध जल में नाइट्रोजन व पदार्थों के मिले होने से चमक नहीं होती है। और अगला अंतर क्या है? शुद्ध जल में फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स आदि की एक निर्धारित मात्रा होती है। शुद्ध जल में फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स आदि की एक निर्धारित मात्रा होती है, जबकि अशुद्ध जल में फ्लोराइड्स तथा नाइट्रेट्स अधिक मात्रा में होती है। अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। तो ये है शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर। यह प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? यहां आप देख सकते हैं, वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। पहला विकल्प है खड़िया, दूसरा विकल्प है पेंसिल, और तीसरा विकल्प है सफेद चाक, तथा चौथा विकल्प है मिल्टन चाक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा कि वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? मिल्टन चाक का। किसका? मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। पहला विकल्प है टमाटर, दूसरा विकल्प है आलू, तीसरा विकल्प है भिंडी, और चौथा विकल्प है पालक। तो दिए गए विकल्पों में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा आलू। दूसरा विकल्प सही है। तो मैंने आपको बता दिए हैं गृह विज्ञान के अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आज आपका एग्जाम है। और मैं ये शुभकामना देता हूं आप सभी को कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर देने के बाद, और साथ ही अन्य विषय यानी विज्ञान विषय की तैयारी और सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी तथा चित्रकला। इसके बाद आपका पेपर है 28 को। कब है? 28 को है, चित्रकला का पेपर है। आपको चित्रकला से रिलेटेड वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जाइए पेपर दीजिए अच्छे से। आप सभी को हम सभी शिक्षक बंधुओं की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।